सो दिस इज़ 4 in the morning एंड वी आर लीविंग, हमारी दिल्ली ट्रिप आज शुरू हो जाएगी। आज का हमारा डेस्टिनेशन है उदयपुर, तो अभी गाड़ी में बैठते हैं एंड आगे की बात जब करते हैं। अभी हम फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। हमारा मुंबई का सफ़र भी पूरा हो चुका है, 2 साल हमारे बहुत अच्छे से कटे एंड नाउ भाई कोई कुछ कहना है किसी को? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स के नो कमेंट्स। तो भाई अब हम थोड़ा ऐसे अच्छा रास्ता आएगा तब बात करेंगे। ट्रिप भी हमने ज़ीरो कर दी है। आज का हमारा डेस्टिनेशन है उदयपुर। शाम को 5-6 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, अगर कहीं रुके नहीं तो। CEO रुकने के, जिसको बहुत ज़्यादा मन करता है कहीं कहीं जाने का, वो पापा मम्मी हैं तो दे। यहाँ से उदयपुर का रास्ता इज़ 12 hours 20 minutes एंड हम लोग चढ़ गए हैं आगरा रोड पे। आगरा रोड है ये, मतलब ये दिल्ली का रास्ता है। यहाँ से ये नासिक रोड है, फिर तो मतलब ये दिल्ली जाने का रास्ता है। मतलब दिल्ली वाले रास्ते पे चढ़ चुके हैं। इतना डरावना सा हो गया यहाँ पे, तो सामने ये लाइट भी बहुत अजीब सी हो गई, ऐसा लग रहा है कोई भूत भूत सा ना सर बस चिपटक जाए। अलग ही मौसम हो रखा है, कलर अलग ही टिंट आ रखा है बादलों में। सो वी हैव रीच्ड गुजरात और सन भी बाहर आ गया उधर से, और अच्छा मस्त एकदम से रोशन हो गया है पूरा रोड। और अभी हम ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं अपना, थोड़ा जो 17 मिनट दूर है। एकदम ही अलग ही कलर, ही टिंट सा अलग चेंज हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। पहला ब्रेक गुजरात में होटल श्रीनाथ को जैसे मिल गया रास्ते में। और भाई अब तक गाड़ी कुछ चली है हमारी 140 किलोमीटर्स, और ये पहला ब्रेक है। गाड़ी अभी से ही इतनी गंदी हो गई, सारा रास्ता कीचड़ था सारे टाइम। मुंबई रो रहा था मेरे जाने के गम से ना, महाराष्ट्र पूरा रो रहा था, इसलिए बारिश आ रही थी। बोले ना लेम जोक क्यों मार। हम यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं एंड देन यहाँ से हम निकल जाएंगे। भाई खाना खा के हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है, क्योंकि पीछे वाले ड्राइवर को नींद आ रही थी। भाई होटल रनअवे से हमने ले ली हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्टफ। नाउ आई विल बी द वन हु विल ड्राइव आगे का सफ़र। 200 किलोमीटर चल चुकी है, आगे अब मैं चलाऊंगा। okay. थर्टी हो गए, मैंने 40 किलोमीटर गाड़ी चला ली है एंड अभी हमारे AC थोड़ा इफेक्टिव नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा था। तो हम गुजरात में कहीं सूरत के आगे किसी शॉप पे हम रुके हैं, वो आ रहा है अभी बंदा चेक करेगा। और मम्मी मैंने गाड़ी कैसे चलाई? अच्छी चलाई। कितने पैसे मिले हैं ये बोलने के? तो बताओ कैसी गाड़ी चलाई? अच्छी चलाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। क्यों भाई, आपको डर क्यों लग रहा था? जैसे मैं चलाता हूँ तो तेरे को डर लगता है, ऐसे ही मैंने चलाई तो नहीं, तूने चलाई तो मुझे डर लग रहा था। सेम टू सेम। एक तो हम दोनों ने ना ब्लैक पहन लिया, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पे, 32 तो हो ही गया, दिल्ली पहुँचते पहुँचते 44 है। भाई क्या हालत होगी दिल्ली में हमारी? तो चुपचाप बैठी मम्मी है ना, हैंग हो जाती है गाड़ी में आती, हैंग हो जाती है मेरी माँ। मतलब अपने को कटअप मैन्युअली करना है। हाँ भाई AC तो ठीक हो गया, उसने जुगाड़ बता दिया कोई, एंड पापा आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, ऐसे मांग ली गाड़ी पापा ने। तो अभी यहाँ पे धूप बढ़ती जा रही है, AC तो चल रहा है, जुगाड़ हो गया हमारा। More 400 किलोमीटर्स टू गो फॉर उदयपुर। आज है ना एक्चुअली मन नहीं है हमारा, वरना हम रुकते नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं। और भाई अब थोड़ी थोड़ी देर में मन करता है कि अब रुक जाते हैं। सो ये हमारा पता नहीं क्या दूसरा तीसरा ब्रेक हो चुका है,
मतलब और ये अच्छी जगह मिली, यहाँ पे सब कुछ है, डोमिनोज, सब्वे, जिसको जो खाना है खाओ मस्त अपना। और फिर यहाँ से भाई अब नॉन स्टॉप है भाई, ज़्यादा वैसे क्या करना है, उदयपुर पहुँच के भी क्या करना है, आराम से जाएंगे। जब सुबह निकले थे तो 5 बजे था रीचिंग टाइम, अभी 6:30 हो चुका है। ये कर करके हमने 6 तक लाया था, वापस 6:30 हो चुका है, तो हम ऐसे कर करके वापस कम लाते हैं, फिर हम ऐसे कर करके वापस बढ़ा देते हैं अपना ETA। बट कोई बात नहीं, अब हमें कुछ काम वाम तो है नहीं, आराम से, ना कोई हमने रेस में ना दिखवा रखा, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, बढ़िया। ओ भाई कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। एक तो मास्क भी नहीं उतार सकते क्योंकि पता नहीं कोई लॉ है कि मतलब चलान कटता है, एक एक बंदे से ज़्यादा अगर गाड़ी में है तो सबको मास्क भी पहनना पड़ेगा, तो मास्क भी पहनना ज़रूरी है, इसलिए और ज़्यादा घुटन सी लग रही है। तो शुक्र है AC का कुछ जुगाड़ हो गया हमारा, नहीं तो बहुत दिमाग खराब हो जाता। 422 13 की, वही जो पिछली बार थी। अब गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। भाई 403 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, इसमें देख नहीं रहा है। भाई 400 पे ली थी गाड़ी, 500 पे छोड़ रहे हैं, 100 चला दी मैंने। ऑफ टू हैवी ड्राइवर पापा। भाई इतना साफ, मतलब इतना था ही नहीं, बिल्कुल नो ट्रैफिक, और क्या मस्त भाई भागी है ना गाड़ी, 100 किलोमीटर सिर्फ भागी है गाड़ी, और मजे आ गए एकदम, बहुत मतलब एकदम मजे से आ गया। अब रोड देखो ना यार, एकदम खाली पड़ा हुआ है, 2 लेन का है बट खाली है यार पूरा। ये पता नहीं हलोल साइड है, हलोल रोड से हम निकल रहे हैं, थोड़ा आगे उस साइड आया, बहुत प्यारा रोड है यार। एंड वी हैव स्टॉप फॉर अ चाय ब्रेक ओवर हियर, एंड बारिश फिर से शुरू हो गई है तो निकल लेते हैं। और वैसे भी आई प्रोमिस्ड यू कि नो ब्रेक्स, बट ब्रेक्स यार ऑब्वियसली लेने पड़ते हैं। इस बार हम कुछ ज़्यादा ही ब्रेक्स नहीं ले रहे मम्मी, बट ठीक है, एक बार तो हम पूरा जा रखे ना 24 घंटे वाला, एक बार हमने नाम दर्ज करा रखा है। तो थर्टी किलोमीटर्स लेफ्ट, ड्राइवर फिर से चेंज, एंड मैं आ गया पीछे। इस ट्रिप में पहली बार मैं पीछे आ गया। 6:22 इन द इवनिंग एंड रीच उदयपुर, एकदम एग्जैक्टली गूगल के टाइम पे पहुंचे हैं। गूगल इज अनबीटेबल, हमने रेनोवेट कर दिया सारा। आपको मैंने मिलाया नहीं ना, कौन कौन आज हमारे साथ आए हैं, मतलब कौन कौन हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। एक तो मैं, मम्मी पापा और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो हमने डिग्गी में बांध रखे हैं। ये भाई, ये प्लांट्स, ये भी मेरी माँ को ये ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो ये भाई साथ में रहेंगे, ऐसे छोड़ नहीं सकते इनको, ये हम इनको टाइम टाइम में पानी भी दे रहे हैं, एकदम फैमिली का पार्ट है तो लेके जा रहे हैं भाई साथ में बेचारे। लेकिन कोई जगह है नहीं तो ये डिग्गी में ही जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। एम्बेसडर की डिग्गी है। क्या हो गया, हट मारी है, जा गया। पहुंच गए उदयपुर, और जगह याद आई, ये वही वाली जगह है जहाँ पे पिछली बार जब उदयपुर आए थे रुके थे, जब हम ट्रांजिट ले रहे थे दिल्ली मुंबई का। एंड बस अभी सामान वामान रखते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। आधी गाड़ी तो हमने चला दी है कुछ 700 किलोमीटर्स, कल आधी चले, कल का प्लान अभी फिक्स नहीं है, या तो शायद जयपुर भी जाएंगे और फिर दिल्ली जाएंगे, या फिर सीधा दिल्ली चले जाएंगे, अभी फिक्स नहीं है। और गाड़ी हमारी जहाँ भी जा रहे हैं यार, बारिश आ रही है फालतू में, और गाड़ी इतनी गंदी हो गई,